समाज सेविका फरहत नकवी को बदनाम करने की साजिश, एफआईआर दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। आपको बताते चलें, बरेली की जानी मानी समाज सेविका नेत्री फरहत नकवी ने एक यूट्यूब चैनल पर छवि खराब करने का आरोप लगाया है। फरहत नकवी ने इस संबंध में एसएसपी बरेली से कार्रवाई करने की गुहार लगाई। एसएसपी मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच के लिए साइबर सेल को जांच दे दी गई है। फरहत नकवी के मुताबिक घटना पटना की यूट्यूब टीवी के नाम का एक चैनल है, हो सकता है कि साजिश रही हो, ये भी वजह रही हो कि खुलकर अब वे नहीं बोल सकती। इस चैनल पर उनके फोटो को वसीम रिजवी की पत्नी के तौर पर एक बैनर के माध्यम से दिखाया जा रहा है, जिससे उन्हें मुस्लिम पत्नी की तौर पर दिखाया जा रहा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इस तरह उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने एसएसपी से शिकायत की। एसएसपी साइबर सेल को इस मामले में जांच दी गई। इस मामले में उन्हें एसएसपी से कार्रवाई करने का आश्वासन मिला। फरहत नकवी ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग वसीम रिजवी से नाराज हैं। वसीम रिजवी ने कलाम पाक के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी की, यह एक आपराधिक किस्म का आदमी है। उनकी छवि समाज में बेहद खराब है। पूर्व में सिया बोर्ड का चेयरमैन भी रहे थे। इस दौरान उन्होंने काफी अपराध भी किए थे, काफी वक्फी की संपत्तियों कब्जा करके उसे बेच दिया। सीबीआई जांच जुटी है। वसीम रिजवी की छवि पहले से ही खराब है, यह आपराधिक किस्म के आदमी है। इसके साथ मुझे पत्नी के तौर पर जोड़कर मेरे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। बरेली से अशोक गुप्ता की एक रिपोर्ट। आज ये जो आपने एप्लीकेशन दी है बरेली के एसएसपी को, और काफ़ी डिजिटल मीडिया हो गया या फिर एक न्यूज़ चैनल का भी नाम सामने आ रहा है, जिसमें आपको जो वसीम रिजवी हैं जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण करा, उनकी पत्नी का रूप दिया जा रहा है, क्या वजह है और ये किस तरीके से ये वायरल चीज़ हुई? ये जो पटना टीवी यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, हो सकता है इसमें किसी की साजिश रही हो या जो भी वजह है, अभी हम इसको खुल के नहीं बोल सकते। इस पर इस तरह से मेरे फोटो को वायरल किया जा रहा है और इसमें बैनर में मेरा फोटो दिखाया जा रहा है, जिसमें पत्नी मुस्लिम बतौर पत्नी मुझे दिखाया जा रहा है कि वसीम रिजवी की पत्नी। इस चीज़ को क्योंकि समाज में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज में मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और इसलिए हमने कंप्लेंट की है इसकी, और इस पर साइबर सेल को ये रिपोर्ट दे दी गई है, आदेश दे दिए गए हैं और जल्द ही इसमें आश्वासन मिला है हमें कि कार्रवाई होगी। मैम, काफ़ी लंबे समय से वसीम रिजवी का नाम तो पहले भी आगे रहा, लेकिन अब ये जैसे ही हिंदू धर्म में आने के बाद ये चीज़ सामने आई है, ये क्या चीज़ आप समझ पा रही होंगी कहाँ से कहाँ तक इसका? देखिए, चूँकि मुस्लिम समुदाय के लोग इनसे नाराज़ हैं और इन्होंने जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गलत बातें की हैं, गलत बयानबाजी कलाम पाक के ख़िलाफ़ की है, इससे जो समाज में इनकी छवि ख़राब है, क्योंकि एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। जो जिस टाइम पूर्व शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी ये रह चुका है, उस टाइम पे इसने काफ़ी अपराध किए हैं, काफ़ी वक्फ की ज़मीनों को संपत्तियों पे कब्जा करके उसको बेचा गया है, उस पर भी सीबीआई जांच बैठी हुई है। तो इसकी छवि तो समाज में वैसे ही ख़राब है और ये एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। इसके साथ मुझे जोड़ के, मुझे पत्नी के बतौर जोड़ के मेरे साथ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। नकवी जी, जो राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं वो काम आ रहे हैं? ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती अभी, ये कार्रवाई होगी, उसके बाद ही मामला सामने आएगा, ये कानूनी। हम सब ये जानना चाहेंगे, फरहत नकवी के मामले में उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, क्या मामला है और क्या कार्रवाई हुई है? वादनी के द्वारा ये तहरीर दी गई थी कि उनको वसीम रिजवी की पत्नी के रूप में एक YouTube चैनल के ऊपर दिखाया गया और उससे छेड़खानी की गई, जबकि वो अलग है उनसे। इस बारे में उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है, उसके आधार पर थाना किला में IT एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और जो संबंधित चैनल है उसके बारे में जानकारी की जा रही है और इसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है।